दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एक लैपटॉप या पीसी से दूसरे लैपटॉप या पीसी में कैसे डाटा ट्रांसफ़र कर पाओगे। और दोस्तों आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और दोस्तों वो कंपनी वाले आपके साथ अपने सर्वर का डाटा शेयर करते हैं, और दोस्तों ऐसे ही आप भी अपने एक लैपटॉप या पीसी से दूसरे लैपटॉप या पीसी में इजीली डाटा ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हेलो दोस्तों, मैं हूं सलमान और टेक्नोलॉजी के अनसलमान में आपका हमेशा की तरह स्वागत है। सबसे पहले आपने विंडो की सेटिंग में जाना है, नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसके बाद दोस्तों आपने ईथरनेट पे क्लिक करना है। ईथरनेट पे क्लिक करने के बाद आपने राइट साइड में आपको चेंज एडवांस शेयरिंग ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने एक विंडो का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपने प्राइवेट करंटली जो प्रोफाइल होगी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से दोस्तों आपने अगर आपकी जो सेटिंग होगी वो ऑफ़ होगी तो आपने इसको ऑन कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, दोस्तों आपने इसको भी ऑन कर लेना है। टर्न ऑन करने के बाद दोस्तों आपने लास्ट ऑप्शन ऑल नेटवर्क सेटिंग जो है आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इस सेटिंग को सेव चेंज पे क्लिक करके तो इस सेटिंग को सेव कर लेना है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपने जिस लैपटॉप या पीसी से आप अपना डाटा शेयर करना चाहते हो तो आपने वहां पे जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। दोस्तों मैं शेयर फोल्डर के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, और इस फोल्डर में दोस्तों अभी मैं अपना डाटा यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं इस फोल्डर में अपना जो भी डाटा अपने दूसरे विंडो 11 के पीसी में शेयर करना चाहता हूं, मैं इस फोल्डर में अपना सब डाटा जो है वो कॉपी कर लेता हूं। दोस्तों यहां पे मैंने कुछ मूवीज़ हैं वो कॉपी की हैं, तो अभी ये दोस्तों देखते हैं कि पीसी से ये एक्सेस हो पाता है या नहीं। दोस्तों जैसे ही मैंने अपने पीसी से आके नेटवर्क पर क्लिक किया तो आपके सामने दोस्तों एक डेस्कटॉप की जो आइकन है वो आ जाएगी। दोस्तों इस पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपने अपने लैपटॉप का जो यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करेंगे जैसे ही तो आपके सामने जो आपके लैपटॉप का फोल्डर होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और दोस्तों जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने दोस्तों शेयर फोल्डर जो हमने किया था वो यहाँ पे शो हो चुका है। दोस्तों इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो फाइलें इस फोल्डर में हमने कॉपी की थी यहाँ से वो कॉपी करेंगे और अपने पीसी में जहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हो आप इजीली यहाँ पे इसको पेस्ट करके तो अपना डाटा बआसानी एक पीसी या लैपटॉप से दूसरे पीसी या लैपटॉप में ईजीली कॉपी कर सकते हो। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दोस्तों इस डाटा शेयरिंग के लिए आपका इंटरनेट सेम होना ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों मिलते हैं मेरी अगली ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।